शंकर पर जल चढ़ाने का जो भाव वर्णित किया जाता है कि हम शंकर को मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं तो खड़े खड़े चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं, बहुत ध्यान देना साहब। शंकर में मंदिर में जाकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो खड़े होकर चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं। अब दो तरह का शिवलिंग है मंदिरों में, दो तरह का शिवलिंग का निर्माण होता है, ठीक है। एक विष्णु शिवलिंग, एक शक्ति पार्वती शिवलिंग। दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। एक शिवलिंग वो होता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है, शिवलिंग रहता है ऐसी जलाधारी पूरी की पूरी, और शिवलिंग जमीन पर रखा रहता है, भूमि पर रखा रहता है, डायरेक्ट जमीन पर। आप जल ले जाकर चढ़ाए, निकल गया रास्ते से। एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है वो शक्ति शिवलिंग कहलाता है। पार्वती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुख में, और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है। अब वो हम उसको कैसे वर्णन, डमरू शिवलिंग होता है, ऐसा उसका स्टैंड होता है, ऐसा स्टैंड होता है, नीचे शिवलिंग रखने की जगह होती, फिर ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर इस तरह शिवलिंग रखा होता है। देख दर्शन करें आप लोगों ने। अब फिर इसके ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता, ठीक है, इस तरह का जो शिवलिंग होता, एक डायरेक्ट नीचे रखा हुआ शिवलिंग और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसी आकृति होती है, इस पे जो डमरू जैसा जो भाग बना होता है ये भगवान विष्णु का हस्त कमल है, और ऊपर का जो भाग है वो भगवान ब्रह्मा का हस्त कमल है, इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं। इसको हरीश्वर महादेव भी कहा जाता है। कौन सा महादेव कहते हैं? हरि सर्वेश्वर महादेव। हरीश्वर महादेव भी कहते हैं, हरि सर्वेश्वर भी कहते हैं। तो डमरू जैसा जो शिवलिंग का निर्माण हुआ है मंदिर में, अगर शिवलिंग ऊंचा है, शिवलिंग थोड़ी सी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और डमरू जैसा भाग फिर उसके ऊपर जलाधारी, जलाधारी के बाद शिवलिंग निर्माण किया गया है, तो वो विष्णु शिवलिंग कहलाएगा, वो हरीश्वर शिवलिंग कहलाएगा, वो हरि वंश शिवलिंग कहलाए, हरीश्वर कहलाए। और जो डायरेक्ट सीधे जो रखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग के, अगर आप दर्शन करेंगे तो कहीं पर भी आपको विष्णु शिवलिंग नहीं मिलेगा, केवल एक नागेश्वर को छोड़कर, जम के बोलिए, केवल एक नागेश्वर, नागेश्वर को छोड़कर बाकी के जितने 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग के दर्शन करोगे सब शक्ति शिवलिंग मिलेंगे, सब जमीन पर। आप जितने भी देखेंगे, काशी का देखेंगे, महाकालेश्वर देखेंगे, तो डायरेक्ट जमीन पर जलाधारी बनी है महाकाल बाबा की, डायरेक्ट जमीन पर बनी है, कोई ऊंचाई नहीं है, डायरेक्ट जमीन पर फिर शिवलिंग है। ओमकारेश्वर देख लीजिए, ममलेश्वर देख लीजिए, आप चाहें तो विश्वनाथ देख लीजिए डायरेक्ट जमीन पर, सोमनाथ देख लीजिए डायरेक्ट जमीन पर, केदारेश्वर देख लीजिए डायरेक्ट जमीन पर, भीमाशंकर, वैद्यनाथ डायरेक्ट, आप वैद्यनाथ जी के लाइव प्रसारण कभी चालू कर देखना, डायरेक्ट जमीन पर, डायरेक्ट। तो जितने भी शिवलिंग हैं सारे के सारे शक्ति शिवलिंग हैं, जो डमरू के भाग पर रखा हुआ है वो हरीश्वर शिवलिंग, विष्णु के हस्त कमल पर जो रखा है, तो शास्त्र कहता है आप शक्ति शिवलिंग का जब जब अभिषेक करें, बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में इस प्रसंग को, इस प्रसंग को श्रावण के महीने में बहुत ध्यान रखना, आपके आसपास में भी मंदिर हो तो उस पर ध्यान रखना, जो शक्ति शिवलिंग हो उस पर जब भी जल चढ़ाना तो बैठकर चढ़ाना, बैठकर चढ़ाना शक्ति शिवलिंग पर जब भी जल चढ़े, भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा हो, तो संग ही से चढ़ा दो, पर जल
बैठ कर चढ़ाई। भले शिवलिंग ऊपर है पूरा तरह से हाथ नहीं पहुंचा, जैसे सोमनाथ जी, सोमनाथ जी में शिवलिंग कितना बड़ा, महाकालेश्वर का शिवलिंग कितना बड़ा, तो उसको तो बैठकर स्नान नहीं करा सकते। भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो पर अगर भूमि टच है, शिवलिंग अगर भूमि टच है, शक्ति शिवलिंग है, तो भले आधा शिवलिंग नहाए आधे पर पानी जाए पर बैठकर ही स्नान कराया जाता है। और महाराज यदि हरीश्वर शिवलिंग है अर्थात भगवान विष्णु के हस्त कमल पर, ब्रह्मा के हस्त कमल पर यदि शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग का जब भी स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे, तो खड़े होकर ही करना है। और खड़े होने का भी तरीका होता है, दोनों चरण बराबर में रखकर कभी भी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान नहीं कराया जाता। दोनों चरण बराबर रखकर, अगर हरीश्वर शिवलिंग है, किसी मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने के लिए आप गए हो और शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तो हरीश्वर अगर शिवलिंग है तो दोनों पांव बराबर रखकर नहीं, एक सीधा चरण थोड़ा सा आगे रखिए और उल्टा चरण थोड़ा सा पीछे रखकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने पर लक्ष्मी जैसे अपने चरण रहते हैं, भगवान शंकर उसी तरह से लक्ष्मी को दौड़ाते हुए अपने घर में प्रवेश कराते हैं। लक्ष्मी भागती हुई, अगर जो पुष्टि मार्ग से जुड़े होंगे, जो भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हैं पुष्टि मार्ग से जुड़े हों, श्रीमद वल्लभाचार्य जी से, वल्लभ कुल बालकों से जिनका ब्रह्म संबंध हुआ है, ऐसे अगर जीव है, वैष्णव जीव है, तो वो दर्शन करते होंगे ठाकुर जी, यमुना जी और महाप्रभु जी का। तो कैसा दर्शन करेंगे? श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे तो दोनों पांव श्री जी बाबा के, मेरे ठाकुर जी के बराबर पर है, नाथ द्वारा वाले श्री जी बाबा के, गोवर्धननाथ जी के दोनों पांव चरण बराबर। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का दर्शन करेंगे तो दोनों चरण बराबर के फोटो में मिलेंगे। पर यमुना जी का अगर आप दर्शन करेंगे, पटरानी यमुना जी का जब दर्शन करेंगे, तो यमुना जी का चित्र का दर्शन करेंगे, तो यमुना हमेशा एक पांव यमुना जी का आगे मिलता है। क्यों? जो वैष्णव ठाकुर का दर्शन करे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के अनुसार भगवत चर्चा करे, उसके यहां यमुना भक्ति निरंतर प्रवेश करती जाए, इसलिए भागता हुआ चरण दौड़। तो शंकर भगवान का अगर हरीश्वर शिवलिंग है, कहीं शिवलिंग डमरू आकृति पर, अगर ऊंचाई पर है, हरीश्वर है, तो फिर जल खड़े होकर चढ़ाए, चरण आगे पीछे, बहुत ध्यान देना महाराज, हरीश्वर शिवलिंग का वर्णन किया महाराज, बहुत सुंदर बात कही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, शक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, वो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा रखकर 24 घंटे के लिए हटा सकते हो। शक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, वो 15-20 मिनट रखकर, आधा घंटा रखकर आप हटा सकते हो। पर हरीश्वर शिवलिंग के ऊपर, भगवान विष्णु के हस्त कमल पर जो शिवलिंग का निर्माण आपको भी वर्णन किया, अगर वो शिवलिंग है तो उस पर जलाधारी अगर लगी है, तो कम से कम 5 घंटा 8 घंटा तो जलाधारी को रखना पड़ेगा ही। बहुत ध्यान दीजिए महाराज, शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करते समय, शंकर जी की स्थापना करते समय, शंकर जी को प्राण प्रतिष्ठित करते समय, एक एक चीज का ध्यान करना पड़ता है कि हमें कैसा शिवलिंग रखना है, कौन सा शिवलिंग रखना है, कैसे स्थापना करना है, किस भाव का होना चाहिए। शंकर के मंदिर में शंकर जी विराजे हैं तो गणेश जी, कार्तिकेय और पार्वती की मुद्रा कैसी होना चाहिए, गणेश जी कौन सी सूंड का होना चाहिए, जब शंकर के मंदिर में हम आराधना कर रहे हैं तो गणेश जी की सूंड किस ओर होना चाहिए, पार्वती की मुद्रा कौन सी होना चाहिए, सदानंद कार्तिकेय की दृष्टि कहां होना चाहिए, ये शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा में देखा जाता है। केवल मूर्ति वाले ने बाजार में मूर्ति बनाकर बेच दी और तुम गए, हमें शंकर जी का परिवार दे दो,
हमारे मंदिर है छोटा सा, मैं वहां प्रतिष्ठा करना है। तुम बाजार में गए, शंकर जी का परिवार लेकर आ गए, शंकर जी लिया, कार्तिक लिया, पार्वती जी लिया, गणेश जी लिया, और स्थापना करवा दी पंडित जी से। और बाद में बोली हमको थोड़ी कष्ट हो रहा है, हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है, कहीं ये हम जब से लाए इससे तो नहीं हो रही, कहीं इससे तो नहीं। नहीं, गलती तुम्हारी है, तुम तो बस गई और लेकर आ गई। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे घर की मूर्ति जितनी पुरानी होती है उतना सुख देती है। आपको पहले भी कथा में कहा, दिया और मूरत पुरानी होगी चलेगी। पुरानी चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले दो बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस दो बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की तीन उंगलियां लगाकर, अगर त्रिशूल पर टच कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम जाने और